मासवन में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिससे लोगों ने नगर पालिका पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और प्रशासन से पानी की समस्या को दूर करने की मांग की है। वहीं नगर पालिका ने कहा है कि पानी की समस्या एकदम से दूर नहीं होगी, काम चलेगा तो थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी। बीते कुछ दिनों से शहर में नई पाइपलाइन के विस्तार का काम शुरू हुआ है और लाइन कटने की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, पानी कहाँ से मिली? यहाँ तो पानी के लिए बार 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 वो विधायक के पास गए 6-7 बार, वो भी कहा कल हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, फिर आज तक तो फिर पानी का साधन बंद भी नहीं करत। और पानी का मतलब बहुत तकलीफ है, हमारे 8 नंबर संकट पटरी किनारे में भारी पानी का निस्तारीकरण। पाइपलाइन विस्तारीकरण के लिए 11 करोड़ रुपए का नगर पालिका से ठेका हो चुका है, काम चालू भी है, लेकिन यहाँ पे कछुआ गति से काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते वार्डों में जो पाइपलाइन विस्तारीकरण होना था वो नहीं हो पा रहा है और यहाँ की जो गरीब जनता है, खासकर वार्ड नंबर 1 पटरी किनारे, वो पानी के लेकर बहुत संकट में चल रही है। हमने पीआईसी में निरस्त करके शासन को अवगत करा दिया गया है। हमारे सीएमओ महोदय के से जवाब मिला कि संचालनालय में उसको मौखिक रूप से कहा गया है कि आप काम को जल्द से जल्द पूरा करो करके, और समय समय पर कलेक्टर साहब के द्वारा भी ठेकेदार को निर्देशित किया गया है कि आप काम जल्द से जल्द